Hello everyone, this is Vansi. Welcome back to the channel. If you are first time मेरी video देख रहे हो, please make sure to subscribe the channel. So now we are on exercise 2.3 question number 2. First part start कर रहे हैं. So check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. तो यहाँ पे हमें दो polynomial दे रखे हैं. एक है t square minus 3 और एक है 2t4 यानी पूरा इतना बड़ा. ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये जो हमारा t स्क्वायर माइनस 3 है इस पूरे का फैक्टर है या नहीं. तो कैसे पता चलेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे. अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ हमें डिवाइड करना है 2 स्क्वायर माइनस 3 को किससे डिवाइड करना है, 2t raised to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. ठीक है, ये हमें डिवीजन परफॉर्म करना है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले t स्क्वायर को देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं. t स्क्वायर को हमें बनाना है 2t raised to the power 4. सो 2 तो समझ आ गया, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब टी स्क्वायर को t4 बनाना है. 2t है, 4 चाहिए, 2 और ले लो, मतलब t स्क्वायर से कर देंगे. तो देखो 2 इंटू 1 2 और t स्क्वायर इंटू 2 t स्क्वायर इज t रेज टू द पावर 4. देन है माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2t स्क्वायर से. 3 2 से 6 एंड साथ में t स्क्वायर. तो ये हो गया जी 6t स्क्वायर. और देखो माइनस प्लस माइनस. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं. ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो हो गए कैंसिल. यहाँ पे हमारे पास बचा 3t क्यूब और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस. 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4t स्क्वायर बड़ा क्या है 6, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा. माइनस 9t माइनस 12. ठीक है, नेक्स्ट अब t स्क्वायर को 3t क्यूब बनाना है. 3 तो भैया सिंपल 3 लिख देंगे, न्यूमेरिक से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब t स्क्वायर को t क्यूब बनाना है, एक ही t चाहिए. तो यहाँ पे कर दिया t, साइन देख लो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस का ही लगा देंगे. तो t स्क्वायर को 3t से करेंगे, 3 1 3 एंड t स्क्वायर इंटू t इज t क्यूब. समझ में आया. माइनस 3 को करना है 3t से, 3 इंटू 3 इज 9 और t खाली, सो 9t. ओके, अगेन प्लस माइनस माइनस. नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज होंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो देखो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए. यहाँ पे बचा 4t स्क्वायर माइनस 12. अब देखो t स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना है, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 4. सो t स्क्वायर को 4 से किया, ये आ गया जी 4t स्क्वायर. देन 3 4 12 प्लस माइनस माइनस. अब देखो इसको यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0. नाउ सिंस हम लिख भी सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, अभी पूरा आप लिख लेना, 2t4 प्लस 3t क्यूब एंड सो ऑन. तो ये इसका फैक्टर है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. नाउ विल मूव टू दी सेकंड पार्ट बट इन दी नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.